YouTube की तरफ से 5 न्यू अपडेट आ चुके हैं और ये अपडेट काफी ज्यादा सही है। इनमें से कुछ ऐसे अपडेट जो वाकई में आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। बात करते हैं अपडेट के बारे में, तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है शॉर्ट सेल्फ को लेके, शॉर्ट वीडियो को लेके। अभी तक आप लोग जो है वो नॉर्मल वीडियो भी अपलोड कर रहे हो और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहे हो, तो आपके चैनल पर जो दोनों चीज़ें हैं ना मिक्सअप दिखती थी, उससे चैनल के जो थीम है वो बेकार सा लगता था। बट अब यहाँ पर जो शॉर्ट का जो सेल्फ है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया है और नॉर्मल वीडियो का अलग कर दिया है। कोई भी आपके चैनल पर विजिट करेगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये शॉर्ट वीडियो है और ये आपकी नॉर्मल वीडियो, और ये सीन डेस्कटॉप में भी कर दिया गया है। शॉर्ट का जो सेक्शन है, शॉर्ट का जो सेल्फ है वो बिल्कुल अलग कर दिया गया। दूसरा अपडेट यार काफी ज्यादा सही है एजुकेशनल चैनल के लिए। अगर आप लोग जो है वो एजुकेशनल चैनल आपका इंग्लिश में कंटेंट अपलोड करते हो तो वहां पर जो है आप अपने वीडियो में एक्स्ट्रा मेटा डाटा ऐड कर पाओगे, जिससे कि यार काफी ज्यादा सही चीज है। आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मेटा डाटा लगा पाओगे तो उससे हाई चांस है कि आपका वीडियो वो रैंक हो जाए और आपको ज्यादा व्यूज मिल जाए, तो ये काफी ज्यादा सही है एजुकेशनल चैनल के लिए। बात करते हैं तीसरे अपडेट की, और ये भी काफी ज्यादा सही है मोबाइल के लिए। अब हम जो है यूट्यूब की ऐप में से जो वीडियो अपलोड करते थे ना, तो वहां पर हमें कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता था। हम जो थंबनेल लगाते थे वाइट स्टूडियो में जाके हमें थंबनेल को लगाना पड़ता था, बट अब हम जो है वीडियो अपलोड करते टाइम में यूट्यूब की ऐप से ही वहीं पर हमें कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन मिलेगा, वहीं से हम लोग जो है वो लगा पाएंगे। अब ये सीन जो है वो सिर्फ अभी के लिए iOS के लिए, मतलब एंड्रॉयड में आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे अभी, बट कुछ ही दिनों में आपके लिए भी हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो सभी के लिए ये लॉन्च हो जाएगा। अभी iOS है आपके पास में, तो अभी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे अपडेट की, और चौथा अपडेट ये कुछ ऐसा है, आपके एनालिटिक के अंदर में आप लोग जो है वो मेल फीमेल का जो है वो जेंडर ये चीज़ को देख सकते थे अपने एनालिटिक में, बट अब यहाँ पर आप जो है वो अदर भी देख सकते हो। मतलब किसी ने जीमेल बनाते समय अगर मेल फीमेल को नहीं डाला, अदर ऑप्शन चूज किया, तो वो चीज़ें जो है वो एनालिटिक में शो करेगी कि इसने अदर ऑप्शन चूज़ किया है, आपको सारा एनालिटिक दिखेगा। इससे आपको हेल्प हो सकती है, अगर आपको स्पॉन्सर आ रही है और वो मांगता है कि भाई आप अपना एनालिटिक दिखाओ आपकी ऑडियंस कैसी है, तो आप जो वो एनालिटिक उसको दे सकते हैं कि मेरी ऑडियंस जो वो इस टाइप की है, तो उससे हेल्प मिलेगी आपको स्पॉन्सर में भी, और आप भी देख सकते हो कि मेरी ऑडियंस जो वो किस टाइप की, आपको भी हेल्प मिलेगी। अब पांचवा जो अपडेट है वो है आपके YouTube एप्लीकेशन में जो आप कस्टमाइज़ करते हो ना, तो उसका जो है थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो चेंज हो रहा है। आप देख सकते हो ओल्ड ऐसा है और न्यू वाला जो आपको मिलेगा वो कुछ है। सो ये कुछ अपडेट्स है, इनमें से आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।